आजमगढ़ का सरायमीर स्टेशन और इस स्टेशन पर आ रही है गोदान एक्सप्रेस। जी हाँ, ये है गोदान एक्सप्रेस, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आगे की तस्वीरों में आप देखेंगे कि आखिरकार इंडियन रेलवे और ये गोदान एक्सप्रेस की बात हम क्यों कर रहे हैं। ये आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं कि इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर ये दिखाया जा रहा है कि आज यानी 15/7/2018 को गोदान एक्सप्रेस मऊ से डाइवर्ट कर दी गई है, जो डायरेक्ट सतना जाएगी। यानी गोदान एक्सप्रेस मोहम्मदाबाद, आजमगढ़, सरायमीर, फूलपुर, खुरासन रोड, शाहगंज, जौनपुर न जाते हुए इसे मऊ से डाइवर्ट कर दिया। यानी गोदान एक्सप्रेस ना तो आजमगढ़ स्टेशन पर आएगी ना ही सरायमीर स्टेशन पर आएगी। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि आनन फानन में ट्रेन सरायमीर स्टेशन भी पहुंच गई। यहां के मुसाफिरों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि क्या नाम है गोदान एक्सप्रेस आज आएगी भी कि नहीं आएगी। और हमने जब इस चीज़ की जानकारी बनारस के DRM गोरखपुर के DRSM से लेने की कोशिश की तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें भी ये जानकारी नहीं है कि गोदान एक्सप्रेस को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन आप तस्वीरों में और इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि गोदान एक्सप्रेस जो कि 15 तारीख को मुंबई के लिए गोरखपुर से रवाना होनी थी, उसका डाइवर्जन रूट पूरी तरह से दिखाया गया है और मोहम्मदाबाद के बाद सारे स्टेशन को कैंसिल किया गया है। लेकिन गोदान एक्सप्रेस 15 तारीख को बदस्तूर मोहम्मदाबाद, आजमगढ़, सरायमीर, खुरासन रोड, शाहगंज, जौनपुर तक तो ठीक गई। उसके बाद जौनपुर के बाद इस ट्रेन को आनन फानन में बनारस के लिए डाइवर्ट कर दिया। बनारस के बाद इसे मिर्ज़ापुर चूकी होते हुए मुंबई के लिए रवाना किया गया। स्टेशनों पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुसाफिरों की अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि ना तो स्टेशन मास्टर को इस चीज़ की जानकारी थी कि गोदान एक्सप्रेस आएगी या नहीं आएगी। यानी कि इंडियन रेलवे अब सिर्फ राम भरोसे ही चल रही है, क्योंकि ना तो DRM को इस चीज़ की जानकारी है ना ही किसी स्टेशन मास्टर को कि ट्रेन को डाइवर्ट किया गया या नहीं किया गया, और किया गया तो क्यों किया गया।